नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका ओमैन वर्सेस श्रीलंका ओमैन के बीच जो खेला जाएगा पहला T20 आज का मुकाबला, उसमें हमारी क्या फैंटेसी की टीम होंगी उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। ध्यान रखिएगा, जब दोनों टीम लास्ट मुकाबला कैप्टन में आमने सामने आई थी 2023 में, आई थिंक वहां पे श्रीलंका टीम ने बड़ी उलटफेर कर दी थी, साउथ अफ्रीका टीम को फेंटी लगा दी थी। तो यहाँ पे कतई आप श्रीलंका टीम को कमजोर बिल्कुल नहीं मानिएगा। अगर पिच में थोड़ी सी भी स्पिन ट्विन फॉर्मूला वाली विकेट मिल गई तो हो सकता है श्रीलंका टीम यहाँ पे फिर से उलटफेर कर दे। टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद हमारी टीम में अगर कुछ भी फेरबदल होंगी उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेने हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो किस बात की देरी है, अभी कभी टाइम निकालिए और सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर हम बात करेंगे वेन्यू को लेकर, मुकाबला खेला जाएगा विली मोरे पार्क वेनोनी साउथ अफ्रीका में, जहां पे विनिंग चांसेस हैं साउथ अफ्रीका के 80%, श्रीलंका के 20%। अगर पिच रिपोर्ट को लेकर बात कर लेंगे, बैटिंग फ्रेंडली विकेट बताया जा रहा है, मौसम फिलहाल अच्छे नहीं बताए जा रहे थे, रेनी मौसम बताया जा रहा है। कुछ स्टैट्स को लेकर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, विकेट टेकिंग लास्ट 3 T20 मैचेस में, 5 T20 मैचेस में टोटल विकेट गिरे हैं 59, जहां पे पेसर्स को मिले 32 विकेट, स्पिनर्स को मिले 23 विकेट। एवरेज स्कोर इन लास्ट 5 T20 मैच अगर इस वेन्यू के ऊपर देखेंगे, एवरेज टोटल स्कोर है 1-8 का। लास्ट 3 T20 अगर मैच हम बात करेंगे दोनों टीम के बीच में, 3 नहीं यहाँ पे 7 T20 था, तो देख लीजिएगा 4 जीती है साउथ अफ्रीका की टीम, 1 मुकाबला जीती है लंका की टीम, 2 मुकाबला आई थिंक रहा है टाई। अगर हम बात करेंगे लास्ट 5 T20 मैच रिजल्ट दोनों टीम का, तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है ड्रॉ विन 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 लॉस करके आ रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे लंका ओमैन का, तो लॉस विन 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 करके आ रही हैं। अगर हम बात करेंगे दोनों टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकती है, तो आपको दिख जाएंगी यहाँ पे साउथ अफ्रीका के साइड से एलवल वाडेट, फिर ताजिन बिट्स, मैरी जैन कैप, सुनील लूज। कभी कभी मैंने देखा है कि ये बॉस आ जाती है वन डाउन पे, उसके अलावा मैरी जैन कैप 2 और सुनील लूज 3 पे। देन आफ्टर सी ट्रॉयन, एंडी क्लर्क, एस जाप्टा, मलावा, मसवता क्लास, एवंगा खाका। गेंदबाजी में खाका, मलावा, क्लास ये तीनों डालेंगी, खाका तो 4 ओवर डालेंगी, फिर क्लास यहाँ से 3 ओवर डालेंगी, मलावा डालेंगी 3 ओवर, उसके अलावा एंडी क्लर्क 4 ओवर, मैरी जैन कैप 4 ओवर। देख लो अब यहाँ पे 4, 8, 4, 12, 3, 15, 3, 18, 2 से 3 ओवर डाल देंगी यहाँ पे सी ट्रॉयन। मैं जब इस वेन्यू का स्टेट्स निकाल रहा था, इस वेन्यू पे सबसे लाजवाब बल्लेबाजी स्टेट्स है ये बॉस का। अगर हम बात करेंगे लंका ओमैन के साइड से, आपको दिख जाएंगे अटापट्टू, संजीवनी, बी गुणरत्न, एच परेरा, नीलाक्षी डिसिल्वा, वो सादी रनसांगे, कवि सादिलहारी, एस कुमारी, आई पी दर्शनी, यू प्रवधानी और रणवीरा। गेंदबाजी में बात कर लेंगे रणवीरा, एस कुमारी, उसके अलावा पी दर्शनी और यहाँ से रनसांगे, ये डालेंगे तकरीबन आपस में 15 ओवर, फिर 4 ओवर डालेंगी, 3 से 4 ओवर डालेंगी यहाँ पे कवि सादिलहारी और 2 से लेकर 3 ओवर डालेंगी यू प्रवधानी। जरूरत पड़ी तो अटापट्टू भी कुछ ओवर डाल सकती है। एक बात आप लोग ध्यान में लेकर चलिएगा, अटापट्टू इंटरनेशनल के स्तर पर जो है ना अपने आप को ज्यादा गेंदबाजी नहीं करवाती है, वहां पे कभी करवाएंगी तो 2 ओवर, कभी 1 भी ओवर नहीं करवाएंगी, ओकेजनली ही 3 से 4 ओवर डलवाती है। अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर, आपको अफ्रीका ओमैन के साइड से दिखेंगी मैरी जैन कैप, एवंगा खाका, और श्रीलंका ओमैन के साइड से आपको दिख जाएंगी प्रवधानी और शादी रनसांगे। डेथ ओवर्स को लेकर बात करेंगे, साउथ अफ्रीका ओमैन के साइड से आपको दिख जाएंगे खाका, एंडी क्लार्क, और श्रीलंका ओमैन के साइड से आपको दिख जाएंगी रणवीरा और अटापट्टू। अब भाई हम बात करेंगे थ्री मार्की बैट्समैन, थ्री मार्की बॉलर को लेकर, तो थ्री मार्की बैट्समैन में आपके पास हो जाएंगी विल वाडेट, ताजिन बिट्स, मैरी जैन कैप। रिसेंटली मैरी जैन कैप बल्लेबाजी से खूब लाजवाब फॉर्म में है, इंटरनेशनल स्तर पर देखोगे तो लास्ट इनका सीज हुआ था ऑस्ट्रेलिया ओमैन के साथ, जहां पे लास्ट इनिंग में 75 की नौ खेली थी और इन्होंने अपनी टीम को जितवाया था। फिर अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे थ्री मार्की बॉलर में, तो मैरी जैन कैप, एंडी क्लार्क और एवंगा खाका। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे बेस्ट कैप्टन वीसी के मटेरियल कौन हो सकते हैं, वो 5 प्लेयर जिसको आप लोग कैप्टन वीसी आपस में रोटेट कर सकते हो। तो पहला नाम होगा मैरी जैन कैप, रीजन क्या है कि आपको 4 ओवर की गेंदबाजी देंगी प्लस 2 रन या फिर 1 रन बल्लेबाजी देंगी। उसके बाद टेक्निकल साउंडेड प्लेयर, लाजवाब बल्लेबाज विल वाडेट आपके कैप्टन वीसी के मटेरियल होंगी। देन आफ्टर एंडी क्लार्क 4 ओवर की गेंदबाजी देंगी प्लस जरूरत पड़ी तो 10-15 बैटिंग से भी कर सकती हैं। उसके बाद चमारी अटापट्टू, ये बल्लेबाजी कितनी खतरनाक है ये आप सबको पता है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर सकती हैं। देन आफ्टर अगर यहाँ पे अफ्रीका की पहले बल्लेबाजी आती है
तो सी ट्रायन भी आपके कैप्टन विसी के मटेरियल हो सकती हैं, दो से तीन ओवर गेंदबाजी देंगी प्लस हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, लास्ट में 15-20 बॉल में आके 25-30 कर सकती हैं। अब आइए हम बात करते हैं दोनों टीम के लास्ट मैच को लेकर। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे अफ्रीका का लास्ट मुकाबला, तो ऑस्ट्रेलिया और मैंने इनको फैंटी दी थी जहाँ पे मैं यहाँ पे हार गई थी ये अफ्रीका की टीम ने। यहाँ पे मेरी जाने का 75 वलवाटेड 15, टी ब्रिटिश 0, सुनेलू 0, एफस 21, ट्रायन 26, एंडी क्लर्क 20 की थी। इसी मैच में गेंदबाजी में मैरी जाने के अब 4 ओवर 37 रन 0 विकेट, खाका 3 में 30 रन 1 विकेट, मलावा 3 में 27 रन 1 विकेट, मशवदा क्लास 2 में 13 रन 1 विकेट, ट्रायन 4 में 23 रन 1 विकेट, क्लर्क 3 ओवर 2 गेंद 23 रन 33 रन 1 विकेट। अगर हम वही बात करेंगे श्रीलंका का लास्ट मैच को लेके, तो ये इंडिया ओमन के साथ फाइनल हार के आ रही है, जहां पे श्रीलंका इंडिया ओमन पहले बल्लेबाजी करते हुए 116 लगाई थी 20 ओवर में। लंका की टीम 97 रन पे सिमट गई थी, अटापटू 12, अनुष्की संजीवनी 1, वी गुणरत्न 0, हसीनी परेरा 25, नीलाक्षी डिसिल्वा 23 और साथी रन संघ 19, कविशा दिलहारी 5, एस कुमारी 5। इस मैच में गेंदबाजी में और साथी रन संघ 2 ओवर 11 रन 0 विकेट, युप्रव धानी 3 में 16 रन 2 विकेट, आई पी रदर्शनी 3 में 11 रन 0 विकेट, एस कुमारी 4 में 30 रन 2 विकेट, अटापटू 3 में 19 रन 0 विकेट, कविशा दिलहारी 1 ओवर 1 गेंद 7 रन 0 विकेट, इनोका रेनुवेरा 4 ओवर 21 रन क्वालिटी 2 विकेट लेके गई थी। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे अपनी फैंटेसी की टीम, लेकिन मैं आपको बता दूं महज ये हमारी डेमो टीम होंगी, फाइनल टीम में कुछ ना कुछ बदलाव होना ही है जिसका अपडेट मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। फिलहाल मेरी फैंटेसी टीम आपके सामने है, जहां पे मैंने विकेट के पीछे संजीवनी को लिया हुआ है, बैटिंग से वलवाडेड टी ब्रिट्स को लिया हुआ है, ऑलराउंडर से अटापटू ट्रायन मैडिजाने के एंडी क्लर्क को लिया हुआ है, फिर बॉलिंग से बात कर लें रणवीरा खाका क्लास और मलावा को मैंने अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। कैप्टनसी की बात करें तो मैंने यहाँ पे कैप्टन दिए मैडिजाने के आपको, फिलहाल मैंने वीसी दिए वलवाडेड को, बाकी टॉस के बाद मैं फाइनल डिसाइड करूंगा वीसी किसको देना है। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।